आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं 29 तारीख के राशिफल की। 29 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं पंचांग से। यहाँ पर कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 12:16 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। आज के दिन जो नक्षत्र रहेगा वो रात 8:30 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी। चलिए बात कर लेते हैं राहु काल की। ये समय आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। मैं हमेशा ही ये बात बोलती हूँ कि राहुकाल के समय में आप अपना कोई भी शुभ काम ना करें। ये समय रहेगा शाम को 4:16 से लेकर 5:33 तक का समय। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, नहीं तो आपको बहुत सारी अड़चनें महसूस होंगी, बहुत सारी मुश्किलें महसूस होंगी। इस समय को आप निकाल दें। जैसे ही ये समय ख़त्म होगा आप अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। ये वो समय है जब आप कोई भी कार्य करें, आपको कोई मनाही नहीं है। ये रहेगा दोपहर को 12:02 से लेकर 12:40 तक का समय। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आगे है दिशाशूल। आज के दिन आप लोगों को किस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, यही हमें दिशाशूल बताता है। चलिए बात करते हैं दिशाशूल की। आज के दिन आप लोगों को पश्चिम दिशा की यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। इस दिन आप लोगों को अगर ये यात्रा करनी पड़ती है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप घर से थोड़ा सा दलिया खाकर निकलें या थोड़ा सा घी खाकर निकलें। ऐसा करने से भी दिशाशूल के प्रभाव से बचाव होगा, आपकी यात्रा सुखमय होगी, आप लोगों को उतनी परेशानी महसूस नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं राशिफल की। राशिफल में बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा 29 तारीख का दिन, चलिए जानते हैं। आज के दिन आप लोगों को खर्चों में कमी का प्रयास करना होगा। आज के दिन आपके खर्चे बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज आप अगर मार्केट जाते हैं तो खूब सारा खर्चा करेंगे, तो ये दिन आप लोगों के लिए आपके खर्चों को नियंत्रित करने का दिन कहा जा सकता है। आज आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आपका कोई पुराना रोग उभर सकता है। ऐसा लगेगा जैसे कोई पुराना रोग फिर से दोबारा आपके सामने आ गया है। ऐसे में आप लोगों को सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कार्य में लापरवाही और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ये जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज के दिन आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की संगति से दूर रहें जो आपको अच्छा ना लगता हो, यानी कि किसी की कुसंगति से दूर रहने का प्रयास करें। बच्चों को खास तौर पर ये हिदायत है, अगर कोई भी आपके साथ ऐसा आपका मित्र है जो अच्छा नहीं है, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिसके काम अच्छे नहीं है, तो उनसे दूरी बनाए रखें। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विवेक से काम लें। आज आप अपनी बुद्धि से विवेक से जितना काम लेंगे दिन उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर जाएगा। सतर्कता और सावधानी पूर्वक अपनी योजनाएं बनाएं। व्यापार में भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। फॉरेन ट्रेवल से कोई फायदा हो सकता है, परंतु आप लोगों को यहाँ पर जो लोग मातृभूमि में रहते हैं उनको काफी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। विद्यार्थी आज काफी सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे, परंतु फिर भी आप लोगों को अपनी मेहनत को कम नहीं करना। आप लोगों को दिन को अच्छा समझते हुए अपनी मेहनत बिल्कुल कम नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, उतना ही ज्यादा प्रभाव आप पा सकते हैं। आज के दिन वाहन चलाते हुए ध्यान रखें, यात्रा करते हुए ध्यान रखें। जितना हो सके पश्चिम दिशा की यात्रा को आप अवॉइड करें। अगर आपको वो यात्रा करनी पड़ती है तो मैंने वीडियो में पहले ही उपाय बता दिया है, आप उस उपाय को करके घर से निकलें। अदरवाइज आप पश्चिम दिशा की यात्रा को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। पारिवारिक मतभेद की संभावनाएं भी बन रही है। परिवार में कोई छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, आपस में कोई मतभेद हो सकता है, इस बात को भी आप चिंता का विषय ना बनाएं। आपको ये टेम्परेरी जो चीज़ें हैं उनको सोचकर समझकर आगे बढ़ा देना है। ऐसे में आप लोगों को जल्दबाजी में निर्णय लेकर कोई गलत निर्णय नहीं लेना। आप लोगों को लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, किसी की बातों से दूर रहना है, किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए इस प्रकार से ये था आज का राशिफल सिंह राशि के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।